एवरीवन, आज हम प्लास्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉलीमर्स के बारे में डिस्कस किया था। पॉलीमर्स का ही एक पार्ट है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स में कई सारे प्लास्टिक्स आपके सिलेबस में हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इनमें जो प्लास्टिक्स है, खासकर जैसे पॉलीथीन है, पेकेलाइट है, टेरिलीन है, नायलॉन है, और आपके टेफ्लॉन है, और आपके पॉलीवाइनिल क्लोराइड है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इनका जैसे क्या उपयोग होता है, इनके क्या गुणधर्म होते हैं, ये कैसे बनते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में वन बाई वन इन सभी का इस लेक्चर के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन जो है इस तरह का एक पॉलीमर होता है, जो कि ये जो पॉलीमर है ये बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये इस तरह का पॉलीमर है जो सामान्यतः हम ये मान के चलते हैं कि एक अच्छा एक इसका पॉलीथीन एक अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक शीट होता है। और इसको बनाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के, जिसे बोलते हैं रैपिंग सामग्री बनाने के लिए, या हम ये मान के चल सकते हैं कि कैरी बैग्स बनाने के लिए, और कई सारे उनमें उपयोग में हम इनको ला सकते हैं। हम अगर देखें वर्ल्ड में, पूरे विश्व में करीब हम ये मान के चलते हैं कि इसका जो प्रोडक्शन है वो करीब करीब 34% जितने टोटल प्लास्टिक्स होते हैं, उस प्लास्टिक मार्केट का करीब 34% इसका होता है, पॉलीथीन का होता है। पॉलीथीन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जो एथीन होता है, इस एथीन का 350 डिग्री केल्विन से 550 डिग्री केल्विन के अंदर करीब 1000 एटमॉस्फेयर प्रेशर के अवस्था में ऑक्सीजन की थोड़ी सी अमाउंट के साथ में या परऑक्साइड की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं, तो जो एथीन है उस एथीन का पॉलीमराइजेशन होता है, उसका घोलीकरण होता है। तो इस घोलीकरण की प्रक्रिया के दौरान पॉलीथीन या एथीन पॉलीथीन पॉलीमर का प्रिपरेशन होता है। पॉलीथीन कितने प्रकार का होता है, हम ये मान के चलते हैं कि पॉलीथीन सामान्यतः दो तरह का होता है। ये डिपेंड करता है कि उसकी डेंसिटी है या उसके स्ट्रेंथ है, इसके आधार पर पॉलीथीन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन। ये जो पॉलीथीन होता है ये इसकी जो डेंसिटी रेंज होती है करीब करीब 0.910 से 0.914 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास इसकी डेंसिटी होती है। और इसका प्रिपरेशन हम फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा करते हैं। ये जो पॉलीमर होता है, ये पॉलीमर हम मान के चलते हैं कि इसकी जो रिएक्शन है वो या इसका प्रिपरेशन ऑक्सीजन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में या परऑक्साइड की उपस्थिति में इसका करवाते हैं, जो कि लो डेंसिटी वाला होता है। और इसका एक हम मान के चलते हैं कि ये करेक्टर इसके अगर देखें, ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही पुअर कंडक्टर होता है, और केमिकली ये जो पॉलीमर है इनर्ट होता है। इस प्रकार के पॉलीमर का ज़्यादातर उपयोग हम विभिन्न प्रकार के जो बैग्स, पॉलीथीन बैग होते हैं, त्रिपाल या लपेटने की सामग्री बनाने के लिए इनका हम यूज कर सकते हैं। इस प्रकार का पॉलीमर के साथ साथ हम एक दूसरी वेराइटी और होती है, वो होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन अर्थात उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन होती है। और ये जो पॉलीथीन होती है, ये हम मान के चलते हैं कि इसमें जो है इसका एडिशन पॉलीमराइजेशन जब करते हैं एथीन का, तो ये हमको प्राप्त होती है। और ये जो पॉलीथीन होती है ये करीब करीब 6 से 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर और करीब करीब 333 केल्विन पर जिगलर नाटा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसका हम प्रिपरेशन करते हैं। हाई डेंसिटी जो पॉलीथीन होती है ये भी केमिकली इनर्ट होती है, और इसका उपयोग मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की बोतल है, वाटर ट्यूब है, या दूध के जग है, वाटर के पानी है, पानी के जो पाइप है उनको बनाने के लिए, या विभिन्न प्रकार के जो गार्बेज कंटेनर्स होते हैं उनको बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार
अगर हम पॉलीथीन का उपयोग दे रहे हैं, पॉलीथीन की जो लो डेंसिटी होती है और ये एक तरह से डिफॉर्म हो सकती है बिना किसी और टेम्परेचर देते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं ये एक थर्मोप्लास्टिक टाइप का पॉलीथीन प्लास्टिक होता है। ये जो पॉलीथीन होता है, ये पॉलीथीन एक तरह से हम ये मान के चलते हैं कि इसका जो उपयोग है या पॉलीथीन बैग बनाने के लिए या एक तरह से विभिन्न प्रकार के जो स्ट्रेच फिल्म बनाने के लिए कर सकते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इस तरह की जो पॉलीथीन होती है हम ये मान के चलते हैं ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में करीब करीब 25 साल में इनका डिग्रेडेशन हो जाता है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में ये एक तरह से डिग्रे होना चालू हो जाता है। पॉलीथीन का केमिकल के प्रति बहुत अच्छा रेजिस्टेंस होता है, इसलिए हम मान के चलते हैं कि ज़्यादातर जो केमिकल्स होते हैं उनको स्टोरेज के लिए हम पॉलीथीन के कंटेनर्स में रखते हैं। नेक्स्ट इसमें हम जो दूसरा प्लास्टिक जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बेकेलाइट। बेकेलाइट ये कि बहुत ही हार्ड प्लास्टिक होता है और इसकी हार्डनेस, इलेक्ट्रिक इंसुलेशन, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ की वजह से बेकेलाइट एक अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक होता है। और ये जो प्लास्टिक होता है, हम ये मान के चलते कि एक पहला प्लास्टिक था जो कि आदमी के द्वारा ये बनाया गया था। और ये जो प्लास्टिक है ये फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल के पॉलीमराइजेशन से प्राप्त होता है। और ये जो पॉलीमर होता है, ये पॉलीमर इसका एसिड और बेस के प्रति इसकी बहुत अच्छी रेजिस्टिविटी होती है। और ये जो पॉलीमर है, ये फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल का जो मिक्सचर है उसके साथ में बेसिक मीडियम में जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है आपस में, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है। और ये जो बेकेलाइट होता है, ये बेकेलाइट जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है उसको हम कहते हैं नोवेलिक रेजिन। ये जो नोवेलिक रेजिन होता है, इसके कुछ क्रॉस लिंकिंग जो एजेंट होते हैं उनसे हम खास करके जो फिनॉल वगैरह है इनकी, या हेक्सामिथाइलिन टेट्रामिन जिसको यूरोट्रोपिन भी कहते हैं, उसकी प्रेजेंस में इसका एक तरह से क्रॉस लिंकिंग हो जाता है। और क्रॉस लिंकिंग के बाद इसके हमको एक क्रॉस लिंक पॉलीमर या त्रियकबंध घोलक का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम यहाँ देखते हैं फिनॉल है, और फिनॉल जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो यहाँ पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेथिलॉल फिनॉल और पैरा हाइड्रोक्सी मेथिलॉल फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेथिलॉल फिनॉल जो होता है, इसका ही हम एक तरह से आगे चेन प्रोपोगेशन के लिए इसका नोवेलिक रेजिन में इसका कन्वर्जन करवाते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर ये नोवेलिक रेजिन का फॉर्मेशन हो जाता है। नोवेलिक रेजिन का फर्दर एक तरह से क्रॉस लिंकिंग करवाने के लिए हम यहाँ पर एरिन फिनो फॉर्मल्डिहाइड के साथ में इसको रिएक्ट करवाते हैं, तो हमें एक तो क्रॉस लिंक्ड एक तरह से ये एक पूरा बेकेलाइट पॉलीमर प्राप्त होता है जो कि बहुत रिजिड, बहुत हार्ड इस प्रकार का पॉलीमर हमको प्राप्त होता है। तो ये इस तरह से अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम देखें पॉलीमर की, क्यों तो ये जो पॉलीमर होता है, एक तो सबसे बड़ी बात ये है ये बहुत ही शीघ्रता से मोल्ड किया जा सकता है। इसका जो एक तरह से प्रोडक्शन टाइम है वो भी बहुत कम होता है और आराम से ये जो शेप जो होती है उसमें इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। ये हीट रेजिस्टेंस होता है, स्केच रेजिस्टेंस होता है और विभिन्न प्रकार का कोई भी जो सॉल्वेंट होता है उससे ये अनअफेक्टेड रहता है। इस प्रकार का जो पॉलीमर होता है ये इलेक्ट्रिसिटी के प्रति टोटली इसमें रेजिस्टिविटी पाई जाती है और ये एक से फ्लेक्सिबल भी नहीं होता है। इस तरह के जो फिनॉलिक रेजिन जो प्रोडक्ट होते हैं, ये हम मान के चलते हैं कि जो एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है या ये एक तरह से बहुत सारी डैम्पनेस होती है, तो उसमें हल्का सा ही एक तरह से स्वेलिंग कैपेसिटी इसमें हो सकती है। जब इसको रब किया जाता है या इसको जलाया जाता है, तो ये जो बेकेलाइट है तो ये थोड़ा सा इसका अलग करेक्टर शो कर सकता है और एक तरह से ये फिशी ऑर्डर के साथ में जल सकता है। यूजेस, अगर इसके हम यूज़ देखें, इस प्रकार का जो पॉलीमर है इसका मुख्य रूप से हम मान के चलते हैं कि अभी हमने बताया था कि इसको इजीली हम मोल्ड कर सकते हैं और एक एडहेसिव के रूप में, बाइंडिंग एजेंट के रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं पेंट और वार्निशेज के अंदर, अर्थात इनको प्रोटेक्टिव कोटिंग
के या लेयर के रूप में इसको हम काम में ले सकते हैं। इस तरह का जो बेकेलाइट प्लास्टिक है, ये खास करके हमने पहले इसके करेक्टर्स में जैसे बताया था कि ये इसका यूज़ ज़्यादातर इलेक्ट्रिक इंसुलेशन, विभिन्न प्रकार के जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें इसका हम यूज़ कर सकते हैं। और ये जो नॉन कंडक्टिंग या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता है, तो खास करके जो टेलीफोन के, रेडियो के, टीवी के जो कैबिनेट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज होती है, या हम यूँ मान के चल सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो सॉकेट्स है, लाइट के बल्ब है या इलेक्ट्रॉन ट्यूब है, विभिन्न प्रकार के जो सपोर्ट्स, जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं, ऑटोमोबाइल के जो डिस्ट्रीब्यूटर कैप्स होती है, और अदर इंसुलेशन के रूप में उनका यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें बहुत अच्छी एक तरह से इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के स्विचेस और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज बनाने के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ इनमें विभिन्न प्रकार के एक तरह से किचन वेयर, खास करके जैसे फ्राइंग पैन, प्रेशर कुकर, इनके जो हैंडल्स हैं उनको बनाने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और ख़ास करके इसका जो उपयोग है, विभिन्न प्रकार के जो ज्वेलरी आर्टिकल्स होते हैं उनको बनाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। बेकेलाइट के बाद हम बात करते हैं टेरिलीन। ये भी एक इसे एक विशेष प्रकार का पॉलीमर होता है। टेरिलीन जो ढोलक होता है, ये एक विशेष प्रकार का रेशा या फाइबर बनाने के लिए काम आता है। टेरिलीन या डेक्रोन भी हम इसको कह सकते हैं। और इस प्रकार का जो पॉलीमर होता है, ये पॉलीमर एक तरह से हम ये मान के चलते हैं कि जब विभिन्न प्रकार के जो बंटू इथेन डाइओल, या जिसे कह सकते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल और डाइमिथाइल टेरेप्थलेट, ये जो मोनोमर्स होते हैं, इन मोनोमर्स को जब हम हीट करते हैं तो यहाँ पर एक तरह से एस्टिफिक्शन होता है, और उसके कारण यहाँ पर पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर जैसे ये जो रिएक्शन है, इसमें एथिलीन ग्लाइकोल टेरेप्थैलिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है, और ये आपस में रिएक्शन करके एक टेरिलीन और डेक्रोन एक फाइबर का प्रिपरेशन करते हैं। प्रॉपर्टीज़ के अगर हम देखें इनकी, तो टेरिलीन एक बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का एक फाइबर होता है, और ये जो फाइबर होता है, ये फाइबर एक तरह से स्ट्रेच रेजिस्टेंस होता है और आसानी से वाश हो जाता है और सूख भी आसानी से जाता है। ये जो पॉलीमर होता है, ये पॉलीमर आसानी से डाइक्लीन कर सकते हैं, या हम मान के चल सकते हैं कि इसमें ब्लीचिंग एजेंट भी इसको को नुकसान नहीं कर सकते हैं। ये जो पॉलीमर होते हैं, इनमें क्रीज भी आसानी से हो जाती है, अर्थात एक बार क्रीज करने पर ये परमानेंट से इनमें क्रीजिंग में आ जाती है। टेम्परेचर के प्रति इसका थोड़ा रेस्टिविटी होती है, और ये आसानी से धो सकते हैं हम इसको, आसानी से इसको हम सुखा सकते हैं, क्योंकि इसकी वाटर एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी बहुत कम होती है। इस तरह का जो पॉलीमर होता है, इसकी हाई टेम्परेचर पर भी बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। खास करके जो विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो एसिड्स होते हैं, उनके प्रति इसका एक तरह से इनसॉल्युबल होता है, अर्थात कोई रिएक्शन नहीं करता है। और इसमें क्रीज रेजिस्टेंस का एक करेक्टर होता है, वो पाया जाता है, और विभिन्न प्रकार के जो फ्रिक्शंस होते हैं उनके प्रति भी इसमें रेजिस्टिविटी पाई जाती है। टेरिलीन मुख्य रूप से प्लास्टिक बोटल्स, कपड़े, कॉर्ड्स बनाने के लिए काम में लिया जाता है। और ये जो फाइबर होता है, टेरिकोट के कपड़े बनाने के लिए खास करके इनका उपयोग होता है। इसका जो उपयोग है, विभिन्न प्रकार के जो ऑटोमेटिक क्लॉथ होते हैं लॉन्ड्री में, वैक्यूम पैकिंग के लिए इसका यूज हम कर सकते हैं। और इनका जो उपयोग है, विभिन्न प्रकार के जो नॉन वोवन डिटेल्स होती है उनको बनाने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नायलॉन। नायलॉन भी एक तरह का थर्मोप्लास्टिक होता है, और ये बहुत ही बढ़िया एक सिल्की मटेरियल होता है। और ये जो फाइबर होता है, ये एक अच्छी क्वालिटी का एक रेशा होता है, और इसमें पॉलीपेप्टाइड लिंकेज होती है। खास करके जैसे हम इसका यहाँ पर लेंगे, जैसे नायलॉन 6,6, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड, इन दोनों की बराबर मात्रा लेकर के जब इनको हीट किया जाता है, तो
ये इनसे आपको एक तरह से नायलॉन का प्राप्ति होती है, एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिल डायमीन जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो हमको नायलॉन 6,6 ऑक्टेन होता है। इसको नायलॉन 6,6 हम इसलिए क्यों कह रहे हैं क्योंकि जो एडिपिक एसिड है उसमें भी 6 कार्बन होता है जो मोनोमर होता है उसके अंदर, और जो हेक्सामेथिलीन डायमीन होती है उसके अंदर भी 6 कार्बन होते हैं, इसलिए हम इसको नायलॉन 6,6 कह देते हैं। प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर देखें हम नायलॉन की प्रॉपर्टीज, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा एब्रेशन रेजिस्टेंस होता है, अर्थात स्केच रेजिस्टेंस इसके अंदर पाया जाता है, खरोंच वगैरह से ये बहुत ज़्यादा प्रतिरोधी होता है। दूसरी बात, एक बहुत बढ़िया एक तरह से हीट रेजिस्टेंस इसके अंदर पाया जाता है। हम ये मान के चलते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट करीब करीब 327 डिग्री सेल्सियस 325 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, या आदमी हाई टेम्परेचर पर ये एक तरह से स्टेबल रह सकता है। इस प्रकार का जो खास करके जो गियर वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत बढ़िया फैटिक रेजिस्टेंस होता है, हाई मशीनेबिलिटी होती है, और इसका जो उपयोग है खास करके मैकेनिकल के विभिन्न प्रकार के गियर और इस प्रकार के विभिन्न प्रकार की जो शेप्स होती है उनमें गियर और गियरिंग्स वगैरह बनाने के लिए इसका यूज हम कर सकते हैं। इसमें नॉइज डैम्पिंग का एक करेक्टर पाया जाता है, तो नॉइज डैम्पर अच्छा होता है, ये चमकदार होता है और एलास्टिक रेशा होता है, इसके साथ साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है ये, और ये जो रेशा होता है यूवी रेडिएशंस और केमिकल के प्रति इसमें अच्छी रेजिस्टिविटी पाई जाती है, ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है और ख़ास करके बहुत जल्दी सूख जाता है क्योंकि और आसानी से वाश किया जा सकता है, और इसके लिए इसलिए खास करके इसका यूज़ हम विभिन्न प्रकार की रोप वगैरह बनाने के लिए कर सकते हैं। अगर यूज़ देखें जो टूथब्रश के जो बिस्टल्स होते हैं उनको बनाने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के जो बियर पैड्स होते हैं उनको बनाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती है और उनकी जो पिक्स होती है उनको बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, टेनिस रैकेट की जो स्ट्रिंग्स होती है डोरियाँ होती है उनको बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, अर्थात स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है ना, इसलिए इनमें सब चीज़ों का यूज किया जाता है। इसमें मेडिकल इम्प्लांट के रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और फिशिंग नेट अर्थात जो जाल होते हैं मछली पकड़ने के लिए उसमें हम इनका उपयोग कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के जो क्लॉथ होते हैं स्किन टाइट स्किन फिट जो गारमेंट्स होती है उनको प्रिपेयर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, औद्योगिक रूप से जो कन्वेयर बेल्ट होते हैं जो कि कैरी एक तरह से जो लाइन चलती है उसमें जो कन्वेयर बेल्ट होते हैं माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उनको हम कन्वेयर बेल्ट को कहते हैं, विभिन्न प्रकार के जो ऑटोमोबाइल्स होती है व्हीकल्स होती है उनके लिए जो सीट बेल्ट होती है सीट बेल्ट बनाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, पैरासूट का जो कपड़ा होता है वो भी नायलॉन से हम बनाते हैं, जो एयरबैग होते हैं जो मोटर व्हीकल्स में जैसे दुर्घटना के टाइम पर जो एयरबैग खुलते हैं उनमें भी उनको बनाने के लिए इसका यूज़ होता है, ऐसे ही जो नेट्स होते हैं और विभिन्न प्रकार की जो रस्सियाँ होती है उनको बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो कवर करने के लिए जैसे ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल है जिनमें सामान वगैरह ढकने के लिए त्रिपाल वगैरह या उनके जो विभिन्न प्रकार के धागे टेंट बनाने के लिए उपयोग करते हैं, और इनका जो उपयोग है खास करके हम जो है मशीनरी के पार्ट बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो इस तरह से ये एक अच्छी क्वालिटी का पॉलीमर होता है। इसके बाद में एक नया प्लास्टिक है जिसे हम बोलते हैं टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक जिसे हम बोलते हैं एक अच्छी क्वालिटी का पॉलीमर होता है जो कि बहुत ज़्यादा रिजिड होता है। टेफ्लॉन जिसे हम बोलते हैं पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन, या इसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं PTEF। PTEF एक बहुत हार्ड पॉलीमर होता है, और ये जो ये हम मान के चलते हैं कि ये करीब करीब 1930 में बना गया था सबसे पहले, और जो कि नॉन रिएक्टिव नॉन स्टिक सरफेस वाला पॉलीमर होता है, अर्थात ये न तो किसी प्रकार से कोई रिएक्शन करता है और न कोई ये एक चिपकने का करेक्टर इसमें रहता है। इस प्रकार का जो पॉलीमर होता है जिसे हम PTEF कह रहे हैं, ये जो टेफ्लॉन है ये टेट्रा फ्लोरो एथीन का जब पॉलीमराइजेशन किया जाता है जब प्रेशर की अवस्था में
अर्थात स्टेनलेस स्टील के जो ऑटोक्लेव होता है उसके अंदर, अर्थात जो फ्री रेडिकल इनिशिएशंस होते हैं उनके द्वारा, अर्थात एक बिल्कुल पैक्ड एनवायरनमेंट में अमोनियम सल्फेट की प्रेजेंस में इसी रिएक्शन होती है। तो टेट्रा फ्लोरो जो एथीन है वो टेट्रा फ्लोरो एथीन रिएक्शन करके, अर्थात पॉलीमराइज होकर के और पॉली टेट्रा फ्लोरो एथीन में कन्वर्ट हो जाती है। ये अगर इसकी हम प्रॉपर्टीज़ को देखें, ये जो केमिकल होता है अर्थात ये जो प्लास्टिक होता है, विभिन्न प्रकार की गैस खास करके ओजोन है, क्लोरीन है, या एस्टिक एसिड है, अमोनिया है, सल्फ्यूरिक एसिड है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सब जो हमने अभी गैसेज उनके बारे में डिस्कस किया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉर्डिंग गैसेज होती है। तो ये इनसे अनअफेक्टेड रहता है, अर्थात इनकी जो कोटिंग्स होती है वो भी अनअफेक्टेड रहती है। विभिन्न प्रकार के जो एल्कली मेटल्स है, और हाँ हम ये मान के चल सकते हैं कि इनका जो रिएक्शन हो सकती है, खास करके जो एल्कली मेटल है या बिल्कुल हाईली रिएक्टिव जो फ्लोरिनेटिक एजेंट्स होते हैं उनके साथ में इसकी रिएक्शन हो सकती है। इस प्रकार का जो केमिकल होता है ये टोटली इनर्ट होता है, इनसॉल्युबल होता है विभिन्न प्रकार के जो सॉल्युबल सॉल्वेंट्स होते हैं और केमिकल्स होते हैं उनके अंदर, और ये बहुत ज़्यादा थर्मली स्टेबल होता है। हम ये मान के चलते हैं कि करीब करीब -200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से लेकर के और करीब करीब 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रेंज में ये आराम से वर्किंग कंडीशन में रह सकता है, अर्थात इसका डिग्रेडेशन नहीं होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 350 डिग्री सेल्सियस होता है और इसमें के अंदर हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है और नॉन स्टिक एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मटेरियल होता है। ये इसकी एक बहुत बड़ी करेक्टर होता है, नॉन स्टिक एंड इलेक्ट्रिकली रेजिस्टेंस मटेरियल होता है। दूसरा, इसका मॉलिकुलर वेट भी ज़्यादा होता है। हाँ, इसकी एक और बात है, इसके ये एक तो एक दोनों ही चीज़ होती है इसमें, हाइड्रोफोबिबिलिटी अर्थात वाटर रिपेलेंट होता है, पानी इसके साथ में चिपकता नहीं है। उसके साथ साथ जो ऑयल है, ऑयल भी इसके साथ में नहीं चिपकते हैं। तो इसलिए ये एक तरह से खास करके यूवी जो रेडिएशंस होते हैं उनके प्रति भी इनमें रेजिस्टेंस होता है। ये जो टेफ्लॉन होता है इसका जो फिनिश सरफेस होता है ये हाइड्रोफोबिक, और अभी हमने बताया था जैसे हाइड्रोफोबिक भी होता है और ऑयलोफोबिक होता है, अर्थात तेल और पानी दोनों इस पर चिपकते नहीं हैं। तो इसलिए इसका जो सरफेस होता है वो उसको साफ करना बहुत इजियर होता है, बहुत आसान होता है। और इसका जो लो फ्रिक्शन जो कोफिशेंट होता है वो भी बहुत ही कम होता है। इसके साथ साथ इसमें ये भी एक थर्मोप्लास्टिक कैरेक्टर होता है, अर्थात एक बार सेट होने के बाद में इसको रिमोल्ड नहीं कर सकते हैं। इसके हम ये मान के चल सकते हैं कि इसका डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी अच्छी होती है और हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी भी अंदर इसके पाई जाती है। तो ये एक बहुत बढ़िया क्वालिटी का एक पॉलीमर होता है। तो ये इसके बहुत ज़्यादा उपयोग हो सकते हैं, खास करके नॉन स्टिक जो कोटिंग्स है, खास करके जो कुकिंग डिवाइसेज होती है, नॉन स्टिक कुकवेयर्स होते हैं, फ्राई पैंस है, उनको बनाने के लिए इनका हम यूज करते हैं, क्योंकि पानी और ऑयल दोनों ही इसके ऊपर चिपकते नहीं हैं। इसका जो उपयोग है ऑटोमोबाइल के जो ईयरबैग्स होते हैं उनके सिस्टम को बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसका जो उपयोग है वो विभिन्न प्रकार के जो मेटल्स होते हैं उनकी फिनिशिंग सरफेस के लिए, पेंटिंग के लिए, कोटिंग के लिए, और विभिन्न प्रकार के जो एडिटिव्स होते हैं उनको बनाने के लिए, जो खास करके उनमें बियर एंड टीयर को कम कर सकता है, उनको बनाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। इसका उपयोग हमें जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री होती है उसमें इंसुलेशन प्रॉपर्टी के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट में। और जो इसका उपयोग है हम एक तरह से जो ड्यूरेबिलिटी और इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। टेफ्लॉन की एक और बढ़िया उपयोग है, इसका कोरोजन नहीं होता है, इसलिए इसका जो उपयोग है खास करके जो बैरियर्स होते हैं, गैसकेट्स होते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो यूरेनियम के जो बॉम्ब्स होते हैं जो कि इसमें फिशनेबल मटेरियल हम इसमें रख सकते हैं, उनको लिए खास करके इसको हम यूज कर सकते हैं। ये स्टील इंडस्ट्री में भी काम में आता है और इसका जो यूटिलाइजेशन है वो हम एक तरह से कोरोजन एंटी कोरोजन एजेंट के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक नेक्स्ट और पॉलीमर है,
या प्लास्टिक है, जिसे बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, आपको इसका नाम से विदित होंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, हम ये मान के चल सकते हैं कि अगर वर्ल्ड वाइड इसकी पोजीशन देखें तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक सिंथेटिक प्लास्टिक होता है ये, और करीब करीब 440 मिलियन टन पर ईयर पूरे वर्ल्ड वाइड इसका प्रोडक्शन होता है। और ये जो प्लास्टिक्स होता है खास करके दो तरह का होता है, एक तो रिजिड टाइप का होता है और एक फ्लेक्सिबल टाइप का होता है। तो उनके उसी हिसाब से इनका उपयोग हम कर सकते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर जो पिक्चर लगी हुई है, ये वाला जो है इसका एक हम ये मान के चल सकते हैं कि रिजिड वाला है, और ये दो जो पाइप रोल्ड पाइप है ये किसका फ्लेक्सिबल पाइप होता है। तो इसके दोनों तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो इसकी वेराइटीज़ है कि इस तरह का जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, इसका प्रिपरेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो विनाइल क्लोराइड होता है उस विनाइल क्लोराइड का पॉलीमराइजेशन करवाते हैं, और विनाइल क्लोराइड का प्रिपरेशन होता है। और इस तरह से इसकी जो हमको ये पॉलीमर प्राप्त होता है, प्रॉपर्टीज़ में अगर हम देखें, ये जो पॉलीमर होता है बहुत अच्छा, एक से विभिन्न प्रकार का जो केमिकल्स है, कोरोजन सॉक्स है, एब्रेशंस है, इनके प्रति इसमें बहुत बढ़िया एक से रेजिस्टिविटी पाई जाती है। और उसके साथ साथ इसमें चूँकि हाई क्लोरीन कंटेंट होता है, इसलिए हम ये मान के चल सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट होते हैं सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग होते हैं, अर्थात इसलिए एक बहुत जल्दी से आग नहीं पकड़ते हैं। इस तरह के जो पॉलीमर्स होते हैं इनमें एक तरह से अच्छी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, एक तरह से एक्सीलेंट पोस्ट परफॉर्मेंस होती है, और ये जो पॉलीमर्स होते हैं ये एक तरह से बहुत कम इनकी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इस प्रकार के जो पॉलीमर होते हैं ये एब्रेशन रेजिस्टेंस भी होते हैं खास करके, और लाइट वेट और टफ भी होते हैं। ये जो पॉलीमर्स होते हैं विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, उनके प्रति इसमें किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, एसिड बेस का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और ख़ास करके इसकी और एक खासियत है कि बहुत बढ़िया क्वालिटी के इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन की तरह काम में आ सकते हैं, इनका ये करेक्टर होता है। यूजेस अगर हम देखें, ये जो पीवीसी होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक तरह से रेजिस्टेंस होता है मॉइस्चर के लिए, एब्रेशन के लिए, अच्छा नमी, और खास करके स्केच इसके ऊपर नहीं आते हैं। ये जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है इसका उपयोग खास करके जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती है उसके क्लेडिंग के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की जो विंडो होती है उनको बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, रूफिंग बनाने के लिए इसका यूज़ कर सकता है, और फेंसिंग इसकी बना सकते हैं, और ख़ास करके जो वेल्डिंग के लिए जो बाल है वो हम इसके लिए बना सकते हैं, विभिन्न प्रकार के कवरिंग एंड फ्लोरिंग सीट इसकी हम बना सकते हैं। इसका जो उपयोग है खास करके इलेक्ट्रिकल वायरिंग और केबल्स के ऊपर लपेटिंग के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के वाटर पाइप इनके लिए हम बना सकते हैं, दोनों प्रकार के फ्लेक्सिबल वाटर पाइप और एक तरह से हार्ड वाटर पाइप, दोनों प्रकार के वाटर पाइप इसकी सहायता से हम बना सकते हैं। इस प्रकार का जो केमिकल होता है या प्लास्टिक होता है बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, और क्योंकि लाइट वेट होता है इसका, फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए इसका उपयोग हम पैकेजिंग आइटम में भी कर सकते हैं। और इसका जो उपयोग है खास करके जो मेडिसिन होती है उनके जो आईवी बैग्स होते हैं केमिकल्स के, या डेस्क बेंच वगैरह के जो बैग्स होते हैं जिसे हम बोटल्स कहते हैं, उनमें उनको इस के लिए भी इनका हम यूज़ कर सकते हैं। जूते के जो सॉल होते हैं या जूते के जो तल्ले जिसे बोलते हैं उनको बनाने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसका उपयोग खास करके जो सीवरेज पाइप होते हैं, जो मकानों में जो पाइप लगते हैं जिससे होकर पानी ड्रेनेज में जाता है, नालियों में जाता है, तो जो सीवरेज पाइप है उनको बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इस प्रकार के इसकी जो कोरोजन भी कम होता है, तो इस तरह से